अस्सलाम वालेकुम, चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं वड़ा पाव। हाँ, इसको बटाटा बड़ा भी कहते हैं। बटाटा कहते हैं आलू को, उसका एक बड़ा तैयार करते हैं, और पाव होता ही है जो आप सब जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास 3 आलू हैं, बड़े साइज के हैं। आलू आप हाथों हाथ उबालेंगे तो आलू आपका सॉफ्ट होगा। हो सके तो आप एक दिन पहले आलू उबाल के फ्रिज में छोड़ दें, आपको मिलेगा ये एकदम से ऐसे ड्राई। तो ये 3 आलू हैं, हमने इसको इस तरीके से हाथ से बस यूं कर दिया है थोड़ा सा, यानी कि मोटा मोटा। इसके लिए हम तैयार करेंगे, ये हमारे पास है 5 से 6 हरी मिर्च, हम ये इसमें डाल देते हैं। और ये 2 से 3 इंच का अदरक का पीस है, ये भी इसमें डाल देते हैं। 10 से 12 हैं लहसुन की कलियां। बिना पानी डाले हम इसको लाते हैं थोड़ा दरदरा पीस कर। 200 ग्राम बेसन है, 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इससे हमारे वड़े का कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें डालते हैं जायके के मुताबिक नमक, हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे क्योंकि हमें इसको पानी डाल के करना होगा पतला। और इसमें डाल देते हैं हम ये 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो नहीं डालें लेकिन थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और ये थोड़ा सा थिक बनेगा क्योंकि इसमें जो हम अपना वड़ा डालेंगे तो वो उसमें से बूंदे नहीं टपकनी चाहिए। और हम इसमें 2 चुटकी खाने का सोडा भी डालेंगे, लेकिन हम पहले सिर्फ इसको अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। बस ये देखें, ये हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए था। इसको ढककर छोड़ देते हैं और इतने हम करते हैं इसके ये आलू तैयार। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लें, 1 टीस्पून इसमें हम ये सरसों के दाने डाल देते हैं। हल्का सा इसको चटकने देते हैं, बस ऐसे चटकते ही ये 1 ही चुटकी हम इसमें हींग डाल देते हैं। और ये हमारे पास है करी पत्ता, सिर्फ 2 टहनी डाल देते हैं हम। ये हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो पीसी थी वो डाल देते हैं, स्लो फ्लेम कर दिया है हमने। हम ये 2 टेबल स्पून भर के डाल देते हैं। 2 चुटकी रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें रेड चिली पाउडर, इसमें जाता भी नहीं है। ये देखें, हाँ हल्दी थोड़ी ज्यादा जाती है, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी डाल दी है। अब हम इन सबको मिक्स करते हैं। हमने ये मिर्च के ऊपर डाली है, सीधा ऑयल में नहीं डालें आप। ये हमें ऐसा ही भूनना था। अब हम इसमें डाल देते हैं आलू और इसको करते हैं मिक्स। इसको मिक्स करते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार होता है। जो चीज बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ और जल्दी से तैयार हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो चीज होती है सबको पसंद, इसीलिए है ये वड़ा पाव इतना ज्यादा फेमस। तो हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं आलू को पहले। ये भुनने की आवाज सुने, ज्यादा देरी से नहीं हुई है, लेकिन हमारे आलू भी करारे से थे, ये ऐसी आवाज भुनने की आने लगी। मीडियम फ्लेम है, जायके के मुताबिक नमक कह दें या फिर हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक। और एक बार आप ये देखें, हल्का सा यूं कर दें क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा ऐसा चाहिए ताकि ये बाइंड हो जाए। आलू ज्यादा ही खिले खिले हैं और इसको 2 से 3 मिनट हो गई है मीडियम फ्लेम पे, कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, हरा धनिया भी थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो ये देखें, बस हमने इसको मिक्स कर दिया, फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए साइड छोड़ते हैं और फिर बनाते हैं इसके गोल गोल बॉल। मिनट के बाद इसको भी हमने रेस्ट छोड़ा था, ये भी रेडी हो गया और ये भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं। हम इसमें डाल देते हैं ये 1 चुटकी भर के बस खाने का सोडा और इसको करते हैं मिक्स। और हमने ऑयल भी चढ़ा दिया है फ्राई के लिए। हम इसकी बना लेते हैं छोटे छोटे बॉल, ये देखें, जो के बन जाएंगी बहुत ही आसानी के साथ। बस आप इसको लें और इसको यूं गोल गोल बना लें, जरा सा और लेते हैं। और बाइंड नहीं हो तो थोड़ा सा आलू मैश कर सकते हैं, लेकिन आसानी से बाइंड हो रहा है ये। तो बस इतनी बड़ी बड़ी बना लें आप। हम इसको, आप इसको बना के रख सकते हैं, लेकिन हम सीधी इसको इसमें डाल देते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं फटाफट। देखें, पहले हम ये 4 आपको ऑयल में डाल के दिखाते हैं। देखें, अच्छे से यूं डाल दें इसके ऊपर बेसन, और इसी वाले चम्मच से लेके एक पीस हम उठाते हैं ये, और ये डाल देते हैं हम ऑयल के अंदर। ये देखें, इसी तरीके से हम ये दूसरा वाला भी डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल गरम किया है, बस इसी तरह हम ये सब डालेंगे। हाथ से भी छोड़ सकते हैं, मैन तो ये हाथ से ही बनते हैं। ये देखें, हाथ से सब पता रहता है कि ये हमें कैसा बनाना है। तो हम इसमें और डाल देते हैं अभी। देखें, इतने ये सीख रहे हैं, इतना आप आराम से ये बना के डाल लेते हैं इसके अंदर। अब हम इसको पलट देते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये फ्राई होते हैं बिल्कुल तैयार।
तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। हल्का सा हमने इनको कलर देने के लिए थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाया है, मीडियम से भी ज्यादा। तो ये देखें पोटैटो हमारे पके हुए हैं, तो हमें बस ये थोड़े से ही सेकने हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हैं, कितने प्यारे दिख रहे हैं ये। तो इसका हल्का सा यूं करते हैं और फौरन ही हाथों हाथ हम ये वाले लेते हैं और ये डाल देते हैं। ये लास्ट वाले भी फ्राई होके हैं तैयार। तो बस अब रह गया है हमारा सिर्फ एक काम, जो है बहुत ही मजे का, वो है हम फ्राई करते हैं मिर्च। हाँ, वो थोड़े से गर्म ऑयल में तैयार होती हैं। तो हमने 6 से 7 मिर्च ले ली हैं और हमने उसमें लगा लिया है बीच में एक कट एरिया, इस तरीके से आप इसमें कट लगा लें। बस इसको सेकते हैं फटाफट। ये वाला छन्ना ले लेते हैं, इसमें ये मिर्च डाल देते हैं और इस पे आने देते हैं एक व्हाइट व्हाइट सी चिट्ठी, हल्का सा यूं दबा दे ताकि नीचे जाकर सीके जल्दी से। बस ये चाहिए थी ऐसी। इससे क्या होता है, ये मिर्च सेकने से हो जाती है बिल्कुल तीखापन इसका आधा से भी कम रह जाता है और ये लगती है खाने में भी लाजवाब। जो मिर्च खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो बस ये हमें ऐसी ही चाहिए थी, लेकिन होनी चाहिए क्रिस्प अभी भी। हमारे पास पाव है, इसको लेते हैं और यूं कट कर देते हैं और थोड़ा सा रहने देते हैं, यानी कि इस तरीके का बनाना है। ये देखें इस तरीके का बना ले, ये हमने चारों में कट लगा लिए हैं। अब ये हमारे पास है हरी चटनी और ये है हमारे पास सूखी चटनी। ये देखें कितनी बढ़िया सूखी चटनी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे दूसरे चैनल सेमिनार्स किचन टिप्स पर ये अपलोड है। तो बस हमारे ये देखें बटाटा बड़ा एकदम से तैयार है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, मैं भी खाती हूँ इसको इस तरीके से, सिर्फ यूं ही लें और मजे से इसको खा जाएं, हो सके तो ऊपर से चाय पी लें। बस फटाफट से क्या करते हैं हम, इसमें लगा लेते हैं ये हरी चटनी। हरी चटनी से हमारा एक और फायदा होगा, थोड़ी सी ही लगाएं, वैसे भी ये तीखी कम है तो हरी चटनी यूं लगा लें, क्योंकि हम इस पे ये वड़ा पाव का सूखा मसाला यूं फैला दें। और बस फटाफट से इधर भी लगा देते हैं और इसमें रखते हैं हम अपना बटाटा वड़ा, यानी कि वड़ा रख देते हैं इसके अंदर। ये रहा हमारा वड़ा, तो हम इसमें रख देते हैं और फिर से इसको बंद करते हैं। यूं दबाते ही आपको ऐसा मिलेगा, ये देखें कितना बढ़िया। अब हम इसमें रखते हैं एक मिर्च। बस अब हो गया ये एकदम से रेडी। तो हम सारे इसी तरीके से तैयार करेंगे हैं। इसको रख लेते हैं स्ट्रे के अंदर ताकि आपको दिखें ये कितना बढ़िया हमारा ये वड़ा पाव बनके तैयार हुआ है और इसके साथ साथ कितने सारे बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखें, तो आप ये जरूर बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली 6 के तरीके से जरूर से बनाएं। और जो भी आपको और बनवाना है जरूर से कमेंट्स करें, जो भी आप कमेंट्स करते हैं हम उसे नोट कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा आगे पीछे जरूर हो जाता है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें, औरों से भी करवाते रहें, जुड़े हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वड़ा पाव को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।